नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फूड बूस्ट पे दोस्तों जैसा कि हमने आपसे वादा किया था आज के इस वीडियो में हम आपके लिए राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के एग्जामिनेशन की कट ऑफ प्रिडिक्ट करने वाले हैं फ्रेंड्स जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था एग्जामिनेशन होने के बाद कि पेपर का पैटर्न कैसा रहा और एक हमने रफ एस्टीमेट ले लिया था कि पेपर किस लेवल का आया है और कट ऑफ भी हमने लास्ट वीडियो में ही कर ली थी परंतु उसके बाद हमने नॉन टेक्निकल में अकॉर्डिंगली कि हमें बताएं और सभी डेटा को बता के हम एग्जैक्ट कट ऑफ तक पहुंचे तो सबसे पहले जिन जिन लोगों ने इस सर्वे में पार्टिसिपेट किया है उन सभी को थैंक यू सो पार्टिसिपेट किया और आप लोगों की मदद से ही हम लोग एक एनालिसिस पे पहुंचे हैं जिसे आज के इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शिफ्ट वाइज कितने कितने स्टूडेंट्स ने सर्वे में पार्टिसिपेट किया और लेवल ऑफ डिफिकल्टी को भी थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे इसके अलावा हम एवरेज मार्क्स और मॉड मार्क्स के बारे में भी बात करेंगे और किस रेंज ऑफ मार्क्स में मैक्सिमम लोगों का डेटा है और पूरे डेटा को एनालाइज करेंगे और साथ ही कुछ की फीचर्स पे भी चर्चा करेंगे इसी वीडियो में तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड इलेक्ट्रिकल जूनियर इंजीनियर कट ऑफ एनालिसिस एंड प्रिडिक्शन तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एग्जाम एनालिसिस एंड कट ऑफ प्रोडिक्शन 2021 बेस्ड ऑन सर्वे जी हाँ दोस्तों जिन जिन लोगों ने भी सर्वे में पार्टिसिपेट किया है उन्हीं का सैंपल डेटा हमने सेलेक्ट करके फाइनली ये कट ऑफ प्रोडिक्शन किया है दोस्तों टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किया है चार और इसमें से शिफ्ट वन के स्टूडेंट जैसा कि आप देख पा रहे हैं वन स्टूडेंट्स हैं और शिफ्ट टू के टू स्टूडेंट्स ने इस सर्वे में पार्टिसिपेट किया है शिफ्ट टू का नंबर शिफ्ट वन के कंपेरिजन में थोड़ा सा ज्यादा है तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं ये है हमारे पास बार ग्राफ रिप्रेजेंटेशन जिन भी स्टूडेंट्स ने सर्वे में पार्टिसिपेट किया है 412 स्टूडेंट्स ने उनका मार्क्स का रेंज हमने एक निकाला है यानी कि हमने पाँच पाँच मार्क्स की एक रेंज रखी है और उसी को हमने बार ग्राफ में रिप्रेजेंट किया है जैसा कि आप यहां पर देख ही पा रहे हैं फ्रेंड्स अगर आप यहां पे ध्यान देंगे तो पहले जो है पिछहत्तर से अस्सी से शुरुआत की यानी कि मैंने इससे कम वाले मार्क्स अगर एक दो एंट्रीज थी भी तो उनका एलिमिनेट कर दिया है इसके अलावा फेक एंट्रीज़ भी कुछ थी लाइक फेक एंट्रीज़ में टेक्निकल पोर्शन में कुछ लोगों ने भरा हमने अस्सी क्वेश्चन कर दिए जब 80 क्वेश्चन है ही नहीं तो 80 क्वेश्चन कहाँ से कर देंगे तो इस तरह की एंट्रीज़ हैं 60 क्वेश्चंस की है सिक्सटी ही सही है तो ये फेक एंट्रीज़ होती हैं इन फेक एंट्रीज़ को मैं एलिमिनेट ऑलरेडी कर चुका हूं तो ये जो फाइनली हमारे पास निकल के आया है वो डेटा है दोस्तों यहां पे हमने स्टार्ट किया सेवेंटी फाइव मार्क्स सेवेंटी फाइव मार्क्स से हमने पाँच पाँच मार्क्स की एक रेंज बनाई है 75 से 80 80 से 85 85 से 90 एंड सो ऑन 135 140 100 120 एवरेज और मोर देन एवरेज जो स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स 100 से लेकर 120 की रेंज में ही लाई करते हैं आप इस बारग्राफ को पूरी तरह से देख सकते हैं सबसे ज्यादा आपको यहां पर एक से लेकर एक में मिल जाएंगे स्टूडेंट्स यानी कि 105 से लेके 110 मार्क्स के बीच में लगभग 69 लोगों के मार्क्स आ रहे हैं तो लगभग हमारी कट ऑफ हमारा जो मीन मॉड और मीडियम की अगर हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक को जब एनालिसिस करते हैं तो वो चीज़ इसी के आसपास में रहने वाली है क्योंकि इस अधिकतर जो स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स इसी रेंज में आ रहे हैं तो फ्रेंड्स जो बार ग्राफ रिप्रेजेंटेशन अभी हमने देखा उसी को हमने एक फॉर्म में स्टैटिस्टिकली रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे पिछहत्तर से अस्सी अस्सी से पिचासी पिचासी से नब्बे इसी तरह की पांच पांच मार्क्स की रेंज हमने ले रखी है और उस मार्क्स रेंज में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के मार्क्स आ रहे हैं हमारे सर्वे के अकॉर्डिंगली वो साइड में लिखा हुआ है बारह उन्नीस बीस इकतीस थर्टी इसी अकॉर्डिंगली फ्रेंड्स इसी डेटा को इसी स्टेटिस्टिकल डेटा को लेकर हमने इन स्टूडेंट्स के मीन मार्क्स यानी कि एवरेज मार्क्स निकाले हैं तो एवरेज मार्क्स आप किसी भी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं आपका एवरेज मार्क्स जो इसका आ रहा है यानी कि हम ले सकते हैं इसके अलावा दोस्तों मॉड भी हमने कैलकुलेट किया Mod, किसी भी का वो पोर्शन होता है जो मैक्सिमम जनता यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल है तो मॉड आ रहा है लगभग लगभग एक सौ नौ नंबर तो इसका मतलब आपका जो कट ऑफ है वो इसके बीच में इसके आसपास ही रहने वाला है इसी के आसपास में ही आपका कट ऑफ जो है वेरी करेगा तो फ्रेंड्स आइए बात करते हैं पेपर की जैसा कि हम सभी जानते हैं पेपर दो कैटेगरी में था टेक्निकल जिसमें कि 60 क्वेश्चंस थे फ्रेंड्स अगर डिटेल अगर आपको इसकी जाननी है कौन से पार्ट से कितने क्वेश्चंस आए हैं तो उसका एक रिव्यू हम हमारे प्रीवियस वीडियो में दे चुके हैं हमारे स्टूडेंट्स जिनसे जिनसे भी हमारी बात हुई थी उनके अकॉर्डिंगली कि किस पोर्शन से किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं अभी मैं बात कर रहा हूँ इसके लेवल की तो टेक्निकल का जो लेवल है वो मॉडरेट कहा जा सकता है नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों नॉन टेक्निकल की नॉन टेक्निकल में जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश तो दोस्तों इंग्लिश का लेवल बहुत ही ईजी था ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन करने वाले थे रीजनिंग का जो लेवल है वो मॉडरेट कह सकते हैं एक दो में हो सकता है। आपको थोड़ी हो। इसके अलावा दोस्तों maths, maths बिल्कुल है और सबसे इंपॉर्टेंट भी है इसे काफी ज्यादा डिफिकल्ट माना गया है हमारे स्टूडेंट्स द्वारा और स्टूडेंट्स का कहना है कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ा उन लोगों को हिंदी मॉडरेट लेवल की आई थी और नेक्स्ट है करंट अफेयर्स एंड वर्ल्ड जीके ये भी मॉडरेट लेवल की थी यानी कि इसमें भी लगभग बग लगभग अगर हम समझदारी से अटैम्प्ट करें तो अच्छा कुछ स्कोर किया जा सकता है बहुत ज्यादा अटेंड करने की जरूरत नहीं है तो दोस्तों इन्हीं सब पैरामीटर्स को मिला के टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल इन्हीं पैरामीटर्स को मिला के हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का 2021 का जो पेपर है ये मॉडरेट लेवल का था और कट ऑफ भी इसी अकॉर्डिंगली डिसाइड होगी नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं हम कट ऑफ किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है तो दोस्तों कट ऑफ डिपेंड करती है नंबर ऑफ पोस्ट से यानी कितनी पोस्ट हैं तो फ्रेंड्स इस बार का नोटिफिकेशन आपने पढ़ाई होगा मैं आपको बता दूं इस बार जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की काफी अच्छी क्वांटिटी में पोस्ट है फोर पोस्ट नॉन टी एरिया की है और लगभग सेवेंटी पोस्ट टी एस की है तो ये हम कह सकते हैं कि जो क्वान्टिटी ऑफ पोस्ट है यानी नंबर ऑफ वेकेंसी जो है वो काफी अच्छी है लेवल ऑफ डिफिकल्टी दोस्तों ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कट ऑफ को डिसाइड करने में तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी दोस्तों इजी बिल्कुल भी नहीं है बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है ये एक मॉडरेट लेवल का पेपर था तो मॉडरेट लेवल ऑफ डिफिकल्टी है इन दो फैक्टर्स को भी कंसिडर किया जाएगा फाइनल कट ऑफ प्रोडिक्शन में तो फ्रेंड्स इसी एनालिसिस की कुछ की फीचर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स लेवल ऑफ डिफिकल्टी की हम बात करें शिफ्ट वन और शिफ्ट टू में तो वो लगभग लगभग सेम है इसलिए जो है नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे पिक्चर में नहीं आने वाला बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है कोई भी नॉर्मलाइजेशन की हालांकि शिफ्ट टू का जो डेटा है हमारे पास थोड़ा सा ज्यादा है परंतु फिर भी लेवल में कोई डिफरेंस नहीं है तो नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं डालने वाला इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की तो जैसा कि मैंने आपको मीन और मॉड निकाल के बताया था पूरा

कट ऑफ के डिक्रीज होने के ज़्यादा चांसेस हैं स्लाइटली डिक्रीज व्हेन द सैंपल साइज इंक्रीजेज दोस्तों क्योंकि जब जब सैंपल साइज इंक्रीज होता है तो एक्चुअल जो लोग होते हैं उनके मार्क्स काफी कम भी आते हैं नेगेटिव भी होते हैं सब लोग एक्जैक्टली exactly प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कि हमारे इतने सही हैं इतने गलत हैं तो उन नेगेटिव होने की वजह से भी जो आपका जो एक्चुअल कट ऑफ है वो स्लाइटली डिक्रीज हो सकता है तो फ्रेंड्स ये था हमारा ऑफ एनालिसिस इलेक्ट्रिकल जूनियर इंजीनियर का उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया आपको अगर हमारे प्रयास पसंद आए तो इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट